नमस्कार दोस्तों, फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेसी टिप्स एंड बेस्ट ड्रीम 11 कॉम्बिनेशन फॉर जर्मन बुंडेसलीगा गेम बिटवीन बायर्न म्यूनिख एंड वुल्फ्सबर्ग। ये गेम 18 दिसंबर को 1 AM से खेला जाएगा। बायर्न म्यूनिख यूरोप की वन ऑफ द बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट साइड्स में से एक है। जर्मन बुंडेसलीगा में भी ये हमेशा रेगुलरली बुंडेसलीगा जीतती है, मोस्ट सक्सेसफुल टीम है, करंटली भी टॉप ऑफ द टेबल है। उनके अगेंस्ट जा रही है वुल्फ्सबर्ग, जिनका करंट फॉर्म काफी खराब चल रहा है। तो हमारे हिसाब से बायर्न म्यूनिख तो बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहेगी इस गेम में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, दोनों टीम्स का करंट फॉर्म देखेंगे, एक्सपेक्टेड लाइनअप क्या होगी वो देखेंगे, की प्लेयर्स आइडेंटिफाई करेंगे एंड आपको हमारी सजेशन ड्रीम इलेवन टीम देंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपका जो भी हमारे लिए फीडबैक है कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिल जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में आपके लिए छोड़ी है, क्योंकि इस गेम की जो फाइनल टीम होगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये बुंडेसलीगा का टेबल है, आप देख सकते हो बायर्न म्यूनिख टॉप ऑफ द टेबल है। 16 गेम्स अब तक हुए हैं, जिसमें से उन्होंने 13 गेम्स जीते हैं, एक गेम ड्रॉ करा है एंड 2 गेम्स हारे हैं। 52 गोल्स इन्होंने स्कोर करे हैं इन 16 गेम्स में, तो ये मोस्ट हाई स्कोरिंग टीम है बुंडेसलीगा में, आप देख सकते हो। एंड सिर्फ 16 गोल्स इन्होंने कंसीड करे हैं, तो इनका डिफेंस भी वन ऑफ द बेस्ट है। 40 पॉइंट्स के साथ ये करेंटली 6 पॉइंट्स आगे है सेकेंड प्लेस बोरुशिया डॉर्टमुंड से। वुल्फ्सबर्ग आप देख सकते हो काफी स्ट्रगल कर रही है, करंटली 11th पोजीशन में है, 16 में से सिर्फ 6 गेम्स जीते हैं, 2 गेम्स ड्रॉ करे हैं, 8 गेम्स इन्होंने हारे हैं, 17 गोल स्कोर करे हैं एंड 25 गोल्स कंसीड करे हैं एंड सिर्फ 20 पॉइंट्स ही अब तक जोड़ पाए हैं। दोनों टीम्स के रीसेंट परफॉर्मेंसेस पे अगर आप नजर डालोगे, तो आप देख सकते हो पिछले 5 मैचेस बायर्न म्यूनिख ने लगातार जीते हैं। इन 5 गेम्स में इन्होंने 14 गोल स्कोर करे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 3 गोल्स पर गेम का एवरेज है। वुल्फ्सबर्ग अगर आप देखोगे, पिछले 5 मैच लगातार हारे हैं, उसमें 4 बुंडेसलीगा के गेम थे एंड एक चैंपियंस लीग का गेम था, एंड इन्होंने 14 गोल्स कंसीड करे हैं अपने पिछले 5 गेम्स में। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रही है करंटली वुल्फ्सबर्ग। कुछ और की स्टैट्स पर नजर डालेंगे। बायर्न म्यूनिख का हिस्टोरिकली इस जो गेम है वुल्फ्सबर्ग के अगेंस्ट बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है। पिछले 24 जो होम गेम्स उन्होंने खेले हैं वुल्फ्सबर्ग के अगेंस्ट अक्रॉस कॉम्पिटिशन, उसमें से 23 गेम्स उन्होंने जीते हैं। तो आप देख सकते हो कितना डोमिनेट किया है ओवर द इयर्स बायर्न ने वुल्फ्सबर्ग को एट होम। पिछले जो 22 होम गेम्स खेले हैं उन्होंने वुल्फ्सबर्ग के अगेंस्ट, उसमें से 20 गेम्स में उन्होंने एटलीस्ट 2 गोल स्कोर करे हैं। तो मल्टीपल गोल्स इस गेम में भी वो स्कोर करेंगे हमारे हिसाब से। बायर्न ने होम का ओवरऑल अगर आप करंट रिकॉर्ड देखोगे, तो लास्ट 31 जो होम गेम्स हुए हैं उसमें 27 गेम्स में एटलीस्ट 2 गोल्स तो उन्होंने स्कोर करे ही करे हैं। वुल्फ्सबर्ग का फॉर्म काफी खराब चल रहा है, पिछले 11 जो उन्होंने मैचेस खेले हैं बुंडेसलीगा में, उसमें से 9 गेम्स में उन्होंने एटलीस्ट 2 गोल्स कंसीड करे हैं। तो बहुत ही खराब डिफेंस है इनका है, आप बोल सकते हो। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टैट्स और एनालिसिस पसंद है दोस्तों, तो आपको जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगी। क्योंकि बहुत से ऐसे फुटबॉल और क्रिकेट के गेम्स होते हैं जो वीडियो प्रीव्यू के थ्रू कवर कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन उन सारे गेम्स की फाइनल टीम विद आर एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड कर देंगे ऑन आर टेलीग्राम चैनल। फ्री चैनल है, आप फटाफट ज्वाइन कर सकते हो। दोनों टीम्स के एक्सपेक्टेड लाइनअप पे नजर डालेंगे। तो जैसे आप जानते हैं बायर्न के अटैक लाइन को लेविंडोस्की लीड करते हैं, उसके अलावा थॉमस मुलर, लीरॉय साने, सर्ज गनाबरी, ये तीनों प्लेयर्स बहुत ही इन्फ्लुएंशियल बन जाते हैं अटैक में। इनके जो सारे डिफेंडर्स है ये भी काफी ज्यादा अटैक माइंडेड है, पवार्ड, उपमकानो, हर्नांडेज एंड डेविस। वुल्फ्सबर्ग की टीम से अगर आप देखोगे, तो वेगहोस्ट इनके अटैक लाइन को लीड करते हैं, लुक बाकियो इनके मिडफील्ड में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाते हैं। अभी दोनों टीम्स के करंट सीजन के बुंडेसलीगा सीजन के स्टैट्स पर नजर डालेंगे, तो आप देख सकते हो 16 गेम्स अब तक लेवेंडोस्की खेले हैं, जिसमें उन्होंने 18 गोल स्कोर करे हैं, मतलब गेम से ज्यादा इन्होंने गोल स्कोर करे हैं एंड एक असिस्ट भी दिया है। सर्ज गनाबरी का भी फॉर्म बढ़िया चल रहा है, इनके 9 गोल्स है और 2 असिस्ट है 16 गेम्स में। थॉमस मुलर अगेन एन एक्सपीरियंस लेजेंड फॉर बायर्न म्यूनिख,
अब तक 16 गेम्स में 4 गोल स्कोर करे हैं एंड 12 असिस्ट इन्होंने दिए हैं। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्लेयर बन जाते हैं ये। लीरॉय साने के 4 गोल 5 असिस्ट है, किंग्सले कोमन के 4 गोल है, जोशुआ किमिच 3 गोल 3 असिस्ट, मूसियाला 3 गोल 3 असिस्ट, चौपा मोटिंग के 3 गोल है, गोरेट्स्का के 2 गोल 2 असिस्ट है। उपमेकानो आप देखोगे इनके डिफेंडर, 23 ईयर ओल्ड फ्रेंचमैन बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है इस सीजन, 4 असिस्ट तब तक दे चुके हैं। एंड अल्फोंसो डेविस हमेशा से बहुत ही अच्छे अटैक माइंडेड डिफेंडर रहे हैं, इन्होंने भी अब तक 3 असिस्ट दिए हैं। अगर आप वुल्सबर्ग की साइड देखोगे तो वेगहोस्ट इनके लीडिंग स्कोरर है विद 6 गोल्स एंड 1 असिस्ट। उसके अलावा निमिचा के आप देख सकते हो 6 गोल्स है, लेकिन वो इस गेम में मोस्टली नहीं खेलेंगे इंजरी की वजह से, दूसरे निमिचा है जो इस गेम में खेलेंगे। बाकू के 2 गोल्स 2 असिस्ट है, उसके अलावा बाकी सब प्लेयर्स के एक एक गोल है। यहाँ पे डिफेंडर्स में, यहाँ पे आप असिस्ट में देख सकते हो लुक बाकियों के अब तक 2 असिस्ट आ चुके हैं। तो इन सारे प्लेयर्स को ध्यान में रखते हुए हमने हमारी ड्रीम इलेवन टीम बनाई है। पांचों की प्लेयर्स हमने करंटली जो आपको बताया है वो बायर्न के साइड से ही है, क्योंकि हमारे हिसाब से बायर्न इस गेम में काफी डोमिनेट करेगी। फॉरवर्ड्स में हमने करंटली थॉमस मुलर एंड रॉबर्ट लेवनडॉस्की को चुना है। ये दोनों ही प्लेयर्स काफी सेफ ऑप्शन है, सारे ऑलमोस्ट सारे टीम्स में आप देखोगे इन दोनों प्लेयर्स को लोगों ने अपना कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन बनाया होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम गोल स्कोर करते हैं, असिस्ट देते हैं। इन दोनों प्लेयर्स के बिना आप टीम बना ही नहीं सकते हो अगर आप बायर्न की कोई भी गेम में टीम बना रहे हो तो। मुलर एंड लेवनडॉस्की दोनों मस्ट हैव पिक्स बन जाते हैं। अब सेफ कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शंस अगर आप चाहते हो तो आप आग बंद करके इन दोनों प्लेयर्स को अपना कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन रख सकते हो। मिडफील्ड में हमने सर्ज गनाब्री, लीरॉय साने, जेरहार्ट एंड लुक बाकियो को लिया है। लुक बाकियो के अब तक 2 असिस्ट आ चुके हैं, जेरहार्ट भी एक डिसेंट मिडफील्डर है जो पासिंग वगैरह के अच्छे खासे पॉइंट्स दे देंगे। गनाब्री एंड साने तो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है, इनके स्टैट्स मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताए थे। डिफेंस देखने से पहले दोस्तों, अगर अब तक का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को हिट कीजिए ताकि इसके आगे हम जो भी वीडियो डालें उसका आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन आ जाए। डिफेंडर्स करंटली हमने तीनों सेलेक्ट किए हैं बायर्न से, एक है हर्नांडिस, पवार्ड एंड अल्फोंसो डेविस। अगेन अगर आपको एक डिफेंडर कैप्टन रखना है तो अल्फोंसो डेविस बहुत ही बड़े ऑप्शन बन जाते हैं। आप पवार्ड को ड्रॉप करके ऑब्वियसली उपमेकानो के साथ भी जा सकते हैं, उनके अब तक 4 असिस्ट आ चुके हैं, बढ़िया फॉर्म में खेल रहे हैं वो भी। तीनों डिफेंडर्स हमने बायर्न से इसलिए लिए हैं क्योंकि हमें लग रहा है बायर्न इस गेम में क्लीन शीट के साथ जीतने की पॉसिबिलिटी काफी हाई है। कीपर हमने सेलेक्ट किया है वुल्सबर्ग से, करंटली जो हमने टीम बनाई है 7:3 के रेशियो में बनाई है फेवरिंग बायर्न, तो 11th प्लेयर जो है 8.5 क्रेडिट्स का हमें लेना पड़ेगा फ्रॉम वुल्सबर्ग। तो देखते हैं 11th प्लेयर के क्या क्या ऑप्शन बन जाते हैं वुल्सबर्ग के टीम से। करंटली जो हमारे पास 8.5 क्रेडिट है उसमें आप दो प्लेयर्स ले सकते हो, एक आप डिफेंडर साइन कर सकते हो वुल्सबर्ग के टीम से वो है बोर्नाव, और एक मिडफील्डर है इनके रैंक्स, इनके साथ आप जा सकते हो क्योंकि ये पासिंग वगैरह के डिसेंट पॉइंट्स दे देते हैं, अच्छे खासे चांसेस भी क्रिएट कर लेते हैं, तो ये एक अच्छे मिडफील्डर ऑप्शन आपके लिए बन जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम हम हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे आपको दे देंगे लाइनअप्स अनाउंस होने के बाद डेडलाइन से 10 से 15 मिनट पहले। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में आपके लिए छोड़ी है। इस QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हो। याद रखिए दोस्तों, फैंटेसी गेमिंग में फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व होता है, इसकी लत भी लग सकती है, तो जितनी आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उस हिसाब से ही इसमें इन्वेस्ट कीजिए। इस गेम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे किसी क्रिकेट या फुटबॉल के वीडियो में। धन्यवाद।